आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की जो लॉन्च होंगे जनवरी 2023 में, जिसकी प्राइस होगी 30,000 के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G। इस मोबाइल में आता है Android V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.67 इंच का फुल HD OLED डिस्प्ले है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये सभी को पावर देगा MediaTek Dimensity 1080। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 200+8+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करेगा 120 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 25,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 5 जनवरी 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है Vivo Y77 Pro 5G। इस मोबाइल में आता है Android V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.67 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और यह सभी को पावर देगा MediaTek Dimensity 8100। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है 50+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। यह मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करेगा 120 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 23,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 28 जनवरी 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है IQ Neo 7 SE 5G। इस मोबाइल में आता है Android V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.78 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और ये सभी को पावर देगा MediaTek Dimensity 8200। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 64+2+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करेगा 120 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 26,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 5 जनवरी 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे आता है Oppo Reno 9। इस मोबाइल में आता है Android V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.7 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है 64+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4500 की बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करेगा 67 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 27,999। अब बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 10 जनवरी 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है Infinix Zero Ultra। इस मोबाइल में आता है Android V12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.8 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और ये सभी को पावर देगा MediaTek Dimensity 920। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 200+13+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4500 की बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करेगा 180 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 28,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 2 जनवरी 2023। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।